अच्छा आपने कंपनी से ही करा जब डिलीवरी के टाइम पे बोल दिया भाई लगा दो। नहीं नहीं लेकिन ये बताए आपने सही किया क्योंकि इसमें मैंने सुना था दूसरी कहानी एक्चुअली हुआ था किसी का आफ्टर मार्केट लगाया था उसका क्लेम नहीं दिया होगा। जैसा कि आप देख लिया होगा आपने कि मेरे पास चाबी है आज बलेरो न्यू की। ये बलेरो न्यू का N4 मॉडल है और ये 2022 मैन्युफैक्चर है और 2023 रजिस्टर्ड है। भैया को ये गाड़ी मिल गई 10 लाख रुपए की क्योंकि उन्होंने 22 का मॉडल लिया तो 40-50 हज़ार रुपये का उनको डिस्काउंट मिल गया गाड़ी पे, लेकिन उन्होंने इसमें 80 हज़ार रुपये की MLD किट लगवा दी जिनसे कि अब बलेरो न्यू में वो टॉप मॉडल वाला मज़ा ले पाएंगे। और मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको गाड़ी। एक अच्छा स्टीरियो उन्होंने लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, चारों पार विंडो इसमें आती हैं। 7 सीटर कार है, बहुत अच्छा खासा स्पेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 शीशे पे लिखा हुआ है, आराम से 10 साल चलाएंगे दिल्ली NCR में। गुड़गांव की गाड़ी है ये। बीच वाली सीट का भी स्पेस देखिए, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है बीच वाली सीट में भी, और MLD लगा हुआ है तो ऑफ रोड भी आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बता रहे थे तुंगनाथ गए हैं तो काफ़ी सही पड़ा, मतलब गाड़ी बहुत अच्छे से गई तो आप जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली गाड़ी अगर आप लें और आप उसमें अलग से MLD लगवाना चाहें तो MLD भी लग जाता है, 70-80 हज़ार रुपये चार्ज करती है कंपनी। तो बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसका 1500 cc का इंजन है जो कि 100 BHP पे 260 Nm का टॉर्क देता है। 3 सिलेंडर इंजन है और इंजन कभी कोई खास साउंड आपको अंदर लगता नहीं कि अंदर बहुत ज़्यादा साउंड है इंजन का, तो केबिन नॉइस कोई खास है नहीं गाड़ी में। मतलब इतनी 3 सिलेंडर में नॉर्मल थोड़ी बहुत होती है, कईयों में ज़्यादा भी होती है, लेकिन इसमें कोई खास नहीं है। बस ये मैं गेज निकाल के ऐसे ही देख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक महाराजों का निकाला था तो वो नई गाड़ी ही बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेशर उसने बनाया हुआ था और तेल फेंक रही थी। बंदे ने बताया नॉर्मल है, मैं देखूँ कि 3 सिलेंडर ये गाड़ी देखता हूँ कि ये भी फेंकती है क्या ऐसी महिंद्रा की इंजन है। तो गाड़ी बढ़िया है, आप जा सकते हैं।